तो ये देखें, ये कंडीशन है यहाँ पर लकड़ी की, ये देखें बिल्कुल ख़त्म हो गई है मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अंबर ज़िया व्लॉग्स अगेन। आज के व्लॉग में हम लोग ज़रा किचन की डीप क्लीनिंग करने लगे हैं। शेल्फ्स वगैरह जो है वो जब से मैं आई थी इनको मैं सेट नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं निकलता था, तो थोड़ा वो टाइम निकाला है जी अभी कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना अब इसकी सेटिंग्स वगैरह कर लूँ। तो मैं आपको लेके जाती हूँ, आप देखें और आपको आइडिया होगा कि जिन घरों में सिम वगैरह होती है वहाँ पर किस तरह की क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैंने तो अभी देखा है, मैं तो हैरान हो गई हूँ कि सारी लकड़ी जो है वो यहाँ पे ख़राब हो रही है, दरवाज़े जो हैं वो तकरीबन कीड़ा लग रहा है उनको, क्योंकि सीख है बहुत ज़्यादा, सिम और सीख वगैरह इधर। सीख को क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या बोलते हैं? नहीं, उर्दू में सीख ही बोलते हैं इसको। अच्छा, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किचन जो है वो, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने निकालना अभी स्टार्ट की हैं तो मेरा तो दिमाग बिल्कुल घूम गया देख के। एक लोग ये देखें, यहाँ पर मैं किचन जो है ना इसको सेट करने लगी हूँ। ये बर्तन वगैरह जो नीचे रखे हुए थे सारे तकरीबन ख़राब हो गए हैं, क्योंकि पानी का जो मेरे ख्याल से नीचे जो पानी उतरता है साइड से, क्योंकि यहाँ पर घर तो लोग बना जाते हैं लेकिन ये देखें यहाँ से नीचे पानी उतरता है इन जगहों से, तो आज इसको भी प्रॉपर कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं। ये बिल्कुल न्यू बर्तन थे जो मैं लेके आई थी, ये यहाँ पर इनको जंग लगना स्टार्ट हो गया और मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे इसको मैं सेट करूँगी। चलें, जहाँ तक मुझसे होता है इसको हम सेट करेंगे। ये शेल्फ जो है इसको मैंने स्टार्ट कर लिया है, कीड़े मकोड़े भी आपको नज़र आएंगे, ये सारी ख़राब हो चुकी है। ये इस तरह से सीख होती है जो लगती है, इसको भी मैं अभी उतारती हूँ, तो उसकी वजह से ये लकड़ी की ये कंडीशन है। ये देखें, ये लकड़ी का बुरादा वगैरह नीचे गिरा हुआ है, तो अभी हम इसकी प्रॉपर सेटिंग करें। ये देखें, ये ख़राब हो गई है यहाँ से, तो मैं इनको प्रॉपर सेट करने के बाद वो करूँगी। कीड़े मकोड़े भी हैं यहाँ पर, ये आप एक चीज़ ये भी देखें, अब ये देखें शेल्फ ऊपर जो है ना वहाँ से पानी आ रहा है, या मुझे नहीं पता ये सिम की वजह से पानी है यहाँ पर। इसको भी प्रॉपर साफ करके प्रॉपर तरीके से जो है ना पूरे किचन को सेट करके हम लोग फिर आप लोगों को साथ साथ जो भी प्रोसीजर करेंगे वो बताएंगे। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती क्योंकि इस घर में हवा का गुजर तो बिल्कुल ही नहीं है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब मैं और मेरे मियाँ साहब दोनों देख रहे हैं कि कैसे करें, तो चलें इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आपके साथ हम लोग वीडियो जो है वो शेयर करते रहेंगे। पहले तो इस गंद को निकाल के फेंकना है इसमें, ये देखें क्या खाएंगी आप, नाश्ता क्या करेंगी? पहले आप नाश्ता कर लेना, फिर आप ऑरेंज खा लेना। ओके, इसको वापस रखिए, वापस रखिए, शाबाश। चलिए इधर मेरी बात सुने, अभी नाश्ता आप लेके जाएं और फिर आप नाश्ता करके उसके बाद खा लेना, ठीक है? अच्छा, तो ये जो है ना, ये देखें लकड़ी की ये कंडीशन हुई भी है यहाँ पर, लकड़ी सारी तकरीबन खराब हो गई थी, ये हमने निकाल दी है। और ये देखें, ये आपको हालत तो नजर आ ही रही होगी किचन की, क्या हालत है ये सारा। मैं इसीलिए इसको हाथ ही नहीं लगा पा रही थी कि मुझे पता था इसमें काफी लंबा काम है, वो पीछे तक जो है ना लकड़ी सारी खराब हो गई है। तो ये जो है हम लोगों ने निकाल दी है, यहाँ पे बीच में ये जो जगह है यहाँ हम सीमेंट डालेंगे और इसके बीच में अब हम कोई लकड़ी की एटलीस्ट पार्टीशन नहीं करेंगे, सारा साफ करके सिर्फ इस साइड पे लकड़ी की पार्टीशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो है ना वो सिंक है, यहाँ पे बर्तन वगैरह धुलते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साइड पे कोई ऐसा काम ना हो इस वाले एरिया में कि पानी जो है वो नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है। वो देखें जरा, ये देखें हालत ही ख़राब हो गई है सारे किचन की। तो बस ये एरिया सेट करने वाला है, बाकी किचन इतना मुश्किल नहीं है। साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह के हालात होते हैं आप लोगों के किचन में अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो। बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ हुआ है किचन, ख़राब हो गया हुआ है, ये देखें पानी लगता है ज़रा सा भी तो वेंटिलेशन नहीं है और ये सारा किचन जो है ना ये ख़राब हो जाता है। बर्तन ये मैं आपको दिखाया था मैंने यहाँ पे, ये बिल्कुल न्यू मैं लेके आई थी और मैंने रख दिया था कि मुझे अभी यूज़ नहीं करना, तो इसके ये देखें, ये देखें और ये देखें, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो जबकि ये नहीं है इस तरह का। ये बिल्कुल स्मूथ सी इसकी सरफेस थी, ये देखें बिल्कुल स्मूथ सरफेस थी और इसकी सरफेस आप चेक करें, इसका ढक्कन ही ख़राब हो गया है। लाइक ये जो है ना, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें ये यूँ ख़राब हो गया है। तो बस चलें अभी करते हैं सेटिंग इसकी। अब यहाँ पर हम लोग ना, ये देखें हमने वॉश बेसन जो है ना यहाँ से, वॉश बेसन ही सिंक होता है, जो सिंक है वो हम लोगों ने उठा दिया है। अच्छा, ये ड्रेन वाला एरिया है, ये ड्रेन है,
यहाँ से ड्रेन होता है। तो ये ना एक देसी जुगाड़ बनाया था, मेरे फूफा ने बनवाया था। ये बहुत डीप करके बना हुआ है, लाइक इसमें बहुत डेप्थ में जाके कचरा जो होता है वो रुक जाता है। ये देखिए पता नहीं कितना पुराना अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये अब निकालना है। तो इसमें ये कचरा रुक जाता है और इसका जो पानी निकलने का जो सुराख है ना, वो अब आपको अगर मैं दिखा सकूँ तो ये आपको शायद नजर आ रहा हो कि ये नीचे जो ये थोड़ा सा कॉर्नर में, ये जो मैं दिखा रही हूँ इस कॉर्नर में, ये जो शाइन सी नजर आ रही है, यहाँ से पानी निकल जाता है। तो कचरा नीचे बैठा रह जाता है और पानी ऊपर से निकलता है। मतलब जिन लोगों के घरों में ये इशू है कि ये बंद हो जाता है ना, आप लोग किचन के काम करते हैं, कोई भी बीच में सालन या कोई भी ऐसी चीज चली जाती है, या मतलब टमाटर के छिलके या कुछ भी ऐसा चला गया तो ये बंद हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक यहाँ पे मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन इनकेस अगर कोई ऐसी वो होती है तो इसकी क्लीनिंग जो होती है नीचे, ये जो जितना भी वो पड़ा हुआ है ना कचरा जो पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये गंद जो जमा हुई हुई है, ये अभी हम निकाल लेंगे। किचन बहुत स्मेली हुआ हुआ है अभी, लेकिन ये है कि साथ साथ हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये देखें सीख ऐसी, ये पहाड़ी इलाकों में इस तरह की सीख होती है, हो सकता है दूसरों में भी ऐसी दूसरी जगहों पर भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मेल और बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है। और मैं इस काम को हाथ ही नहीं लगाना चाह रही थी कि बहुत लंबा हो रहा था, और ये लकड़ी की ये पोजीशन थी, लकड़ी तो यूं टूट के निकली, हमने सारी तकरीबन निकाल दी है यहाँ से। ये देखें यहाँ पे जो लगी हुई थी वो भी हमने निकाल दी है। ये देखें ये अब आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि क्या कंडीशन है इसकी। ये देखें ये सारा कुछ जो है ना अंदर से, वो लकड़ी जो लगी हुई है वो सामने जो आपको नजर आ रही है वो भी तकरीबन, ये देखें ये भी खराब हो चुकी हुई है। लेकिन इसको मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि हम लोग इतने प्रोफेशनल है नहीं है कि इसको निकालें तो वापस लगाने में हम हो जाए। वो छुप रहे हैं, इनका भी इलाज करते हैं आज, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो है ना वो करनी थी हम लोगों ने। ये देखें सिंक का ये हाल हुआ है, इसको हम लोग जो है ना वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। तो साथ साथ में पानी डाल रही हूँ, और मैंने ये जो है ना सीप ये मंगा के रखी हुई है, ये इस एरिया में डालेंगे तो ये भी अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा। बहुत ही गंदा हुआ है आपके सामने, क्योंकि हर चीज़ को तकरीबन रस्ट पकड़ रही है, तो मैंने सोचा इसको भी अच्छे तरीके से धो लिया जाए, इसको हम धो के वापस इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा तो यहाँ पर ये देखें इसमें हम डाल रहे हैं ये सूप, ताकि ये अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। ये फुली ओपन नहीं की हुई इन्होंने, अच्छा है कि इनसे पैसे खुला भी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फुली ओपन हुई नहीं है, ताकि ये कचरा जो है ना सारा ये इसका उठ जाए। जितनी देर में ये अच्छे तरीके से उठ जाएगा, हर किसी में यहाँ पर फिंगर घुमा कर इसके अंदर इसको फैला देती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से क्लीन हो, और फिर हम इसको ऊपर से ब्रश से साफ कर लेंगे। देखें बहुत ही ज़्यादा स्मेल है आज पूरे घर में तकरीबन, क्योंकि ये काम जो होता है ये देखते बहुत ही मुश्किल है, लेंथी हैं, लेकिन अब करना था आज तो सोचा कर ही के छोड़ेंगे। काफ़ी दिनों से, काफ़ी मंथ से प्रॉपर प्लान करी थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, टाइमिंग निकल रहा था। तकरीबन साझा इसके ऊपर कचरा जो है ना वो उठ गया, ये जब टाइम नहीं कर रहा, पानी मिलेगा तो आप हार्ड वाले को मजा आता है, इसलिए हाथ भी नहीं मार रही इसके ऊपर कि मेरे हाथ पे ग्लव है और ये फट जाएगा। मुझे बड़ी ये लड़की होती है उन चीज़ों से, पानी में डाला ऑर्डर किया है, इसको बिल्कुल क्लीन करके अंदर लेके आना, इसमें कोई कचरा ना रहे। इसके ऊपर एक आपको का और मुझे मेरे ख्याल से तो वो मैं डाल देती हूँ। अच्छा आप देखेंगे जहाँ जहाँ गंदगी होगी ना वो जगह, जैसे आप फेस को प्रॉपर ब्लीच करते हैं ना, तो वो जैसे वो क्रीम उबलती रहती है, तो इस तरह से ये देखें ये आहिस्ता 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 उबलता रहता है। और ये देखें आप लोग देखेंगे आप लोग पता चल जाएगी जो इधर वो लाइन सी नज़र आ रही थी वो लाइन भी यहाँ पर अब नहीं दिखी। ये देखें सही से भी दिखाते हैं, वो लाइन यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, मतलब वो
ये जो एरिया है ये तकरीबन क्लीन हो गया। ओह माय गॉडनेस, तो मैं नहीं चाह रही थी वो भी वो चले पैर मुझे करना तो है। इस तरीके से ना नहीं किए हैं वो, पहले अंदर भी हम डाल लेंगे और ये कॉर्नर भी इसके हम अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। ग्लव फट गया, आप लोग ग्लव जो हैं वो अच्छे वाले पहन के रखें, तो अपने पीछे पहना है या आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी क्लीनिंग कितनी अच्छे तरीके से हो रही है। ग्लव्स वगैरह का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि मुझे तो बहुत शदीद एलर्जी होती है, लेकिन अब मजबूरी है कि अब मैं अंदर जा के दोबारा नहीं ला सकूँगी। ये देखें यहाँ पर मुझे फर स्टार्ट हो गई है इस जगह पर, तो ये देखें ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो ये अभी हम कर रहे हैं ये कुछ एरिए तो है, ये इसका रह गया है, ये भी हम देखें इस तरह से डाल के इसको क्लीन कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये साफ सुथरा हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी अगर ये लगे हुए भी करें ना तो इसमें कोई इतना इशू नहीं होता, ये क्लीन हो जाता है, लेकिन ये इतनी डीप क्लीनिंग अंदर वाली साइड से इतनी डीप क्लीनिंग पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए हमने तो उतारना था, हमने उतार के किया। मेरे साथ एक अदद बंदे ने कैमरा होल्ड किया हुआ, एक बंदा अभी अंदर से आ चुका है, तो उसको मैं बोलूँगी कि अब वो पानी डालें। अब ऋषा आप एक साइड से पानी डालें, दूर हो डालें, इसको लगा के करेंगे, सिर्फ इसको अच्छे तरीके से पानी ये ना इसके ऊपर हमने लगाया था, तो अब अपने तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, तो अभी हम लोग वापस आ चुके हैं अंदर किचन में, और किचन की कंडीशन तो आप लोगों को नज़र आ ही रही होगी, किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था सारा, और यहाँ पर फिर जिन कॉर्नर्स में से पानी नीचे जाता था यहाँ पर हम लोगों ने सिलिकॉन की फिलिंग कर दी थी ताकि पानी नीचे ना जा सके और किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन रहे। और स्पेशली जो यहाँ पर नीचे ना फंगस लग जाती है ये उसको जो है ना प्रोटेक्ट करेगा, तो फंगस नहीं लगेगी। तो ये मेरे हस्बैंड ने बड़े तरीके से जाके इसको लगाया, मैं तो बड़ी हैरान हो रही थी कैसे भी चीज़ें लगती होंगी, इतना टाइम लगा के इन्होंने ये किया था और बहुत अच्छे तरीके से ये लग गया था। तो यहाँ पर ना सारी सेटिंग्स हम कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो हम लोग जो हमने सिंक निकाला था उसको भी वापस लगाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने सिलिकॉन भर दी थी, क्योंकि इसके ऊपर हम रखेंगे तो जब बर्तन धुलेंगे तो पानी हम चाह रहे थे कि नीचे ना जाए, और इसको अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया था। और ये अगर लगा रहे तो क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक भी था तो इसमें पानी होता है, तो वो फिर पानी अगर हो तो सिलिकॉन जो है ये उतर जाती है, तो इसको अच्छे तरीके से हमने उतार के अच्छे तरीके से इसकी फिलिंग कर ली थी और ये हमने बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया था। अब आप लोग इसको देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक्स दिखाऊंगी। आपको क्या मिल गया है? ऑरेंज। ऑरेंज, आपने ऑरेंज खाना है? ठंडा वाला है। तो आप अंदर बैठ के खाएं हीटर के पास, ठीक है? मामा अभी काम कर रही है, बाद में आते हैं, ओके? थैंक यू फाती, अलिकम, वेलकम, लाफिज, मामा काम कर रही है। नहीं, दरवाजा खुला रहने दे, हम काम कर रहे हैं, ठीक है? आप जाके खाएं। अच्छा, जैसे कि आपने देखा था कि ये जो पाइप यहाँ पर लगा हुआ था इसको हमने रिमूव किया था क्योंकि ये बहुत ख़राब हुआ था, पुराना, लीक कर रहा था, तो यहाँ पर कोई ना कोई जुगाड़ लगाना था। उसकी रीज़न ये है कि हमारा घर शहर से बहुत ज़्यादा दूर है और अभी जा के वापस ले के आना बहुत टाइम लग जाता और काफ़ी काम रह जाते, तो यहाँ पर एक जुगाड़ लगाने की कोशिश की थी जो बाद में हमने उतार दिया था क्योंकि इसका पाइप जो नीचे ड्रेन वाला वो बना हुआ है वो काफ़ी दूर बना हुआ है, तो उसकी वजह से जब तिरछा आता है तो ये पानी नीचे लीक होने का डर था और ऊपर से जो सिंक था वो भी हिल रहा था,
तो हम लोगों ने यहाँ पे ना बॉटल पानी की जो थी वो काटी थी, और काट के उसको हमने जो सिंक के नीचे वो बना होता है पानी जहाँ से आपका ड्रेन हो रहा होता है वहाँ पे हमने लगाया। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखें बॉटल जो थी इसको मैंने ड्रायर के साथ थोड़ा वो किया, लेकिन वो सही तरीके से फिक्स नहीं हो पा रही थी। और ऊपर हमने फिर ये तार लगा के देखी, जैसे ही तार लगाई उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि जी अभी इसके ऊपर दोबारा ड्रायर करते हैं, ताकि ड्रायर के साथ इसको थोड़ा सा हम फिक्स करके और फिर इसके ऊपर हम लोग दूसरा जो बड़ा पीवीसी पाइप होता है वो लगा देंगे ताकि पानी नीचे चला जाए। साथ हम लोग इंशाल्लाह इसको कवर भी करते हैं। और ये देखें ये पहले का है, यहाँ पर अभी ऊपर वाला तो हमने टच ही नहीं किया मैंने कुछ भी, ये मैं कल करूँगी। लाइक 3 दिन तकरीबन मेरे लगेंगे सारा कुछ करने में, तो ये हमारा बिफोर आ जाएगा और इसके बाद होपफुली आपको जो आफ्टर मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा और आप लोगों को पसंद भी आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको जो इसकी फाइनल लुक थी वो दिखानी थी कि मतलब जो पाइप हमने इंस्टॉल किया था वो कैसा लगा था। बॉटल वाला जो आइडिया है वो बहुत से लोगों के लिए काम करेगा, लेकिन हमारे लिए काम नहीं कर रहा था इसलिए मैंने वो उतार दिया था। क्योंकि बॉटल के आगे आप इस तरह का वो लगा के इसको प्रॉपर सेटिंग कर सकते हैं कम पैसों में, और जुगाड़ होता है अगर घर में आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके साइड पे हम लोगों ने ना एक वो फिक्स कर दिया था रबर टाइप वो बड़ा सा, ताकि लेना। और यहाँ पर देखें मैंने प्रॉपर एक जगह बना के चीज़ें वगैरह सेट कर दी थी, तो यहाँ पे उम्मीद है कि पानी नहीं गिरेगा। और जब मैंने बर्तन वॉश करके देखे तो पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा था। साथ वाली जो शेल्फ्स थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें जो शेल्फ्स ख़राब हो गई थी वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग करके इनको रख दिया, क्योंकि बाकी काम बहुत लंबा लग रहा था। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को करने लगी हूँ एंड, और आप लोग देखेंगे कोशिश करें कि जब भी आप नीचे अपनी कैबिनेट्स में या ऊपर कैबिनेट्स में कोई भी बर्तन रखें तो उनको अच्छे तरीके से आप ड्राई करके रखें, ताकि वो फंगस वाला जो है इशू वो ना हो। जो घर में सीख लग रही है उसके लिए आप लोग पानी में अच्छी तरह नमक ज़्यादा सा डाल के, तकरीबन 1 कप पानी है तो आप लोग कम से कम जो है ना वो आधा कप नमक डाल के उसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो इंशाल्लाह वो नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।